विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा देहात विधान परिषद में बहुमत पाने के लिए बिसात बिछा दी है। मेरा तन मन की बात पार्टी ने शनिवार को दोपहर बाद 36 में से 30 नामों का ऐलान किया। प्रत्याशी चयन में भाजपा ने जहां 2024 का ख्याल रखा तो वही सक्षम चेहरों पर दाव लगाया है और पूर्व पदाधिकारियों को टिकट देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं कमरिया क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों से आने वालों को भी निराश नहीं किया गया है। आज पूर्ववर्ती भाजपा विधायक रहे अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सभा चुनाव में अरुण का टिकट किस लिए काट दिया था कि उनको पिता रमाकांत यादव सपा से चुनाव मैदान में थे। एटा मैनपुरी सीट से भाजपा ने विधान परिषद की पूर्व सभापति और मुलायम सिंह के करीबी रहे रमेश यादव के पुत्र यादव को उतारा था।